तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसमें एक कहानी तो ऑस्ट्रेलिया की है लेकिन दूसरी मरीज जिन के ऊपर है। सच कहूं तो मुझे मरीज जिन वाली स्टोरी बेहद अच्छी लगी। पर इतना सुनते चलें कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर लें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। बाकी देर ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों वैम्पायर्स, जिन्हें हम आम भाषा में पिशाच कहते हैं, कहते हैं कि ये ऐसी रूहें होती हैं जिन्हें मृत्यु के बाद अपने पापों से छुटकारा नहीं मिलता। ये खून के प्यासे होते हैं। कुछ पिशाच तो काफी ज्यादा हिंसक होते हैं तो कुछ शांत। खैर जो भी हो, होते तो ये बहुत ही खतरनाक हैं, जो कि अपने शिकार करने के अंदाज से और अपने आकार से किसी को भी डराने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों हमारी आज की कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा शहर केलवा, जिसके किस्से इतने अनोखे हैं कि इंसान मानो सुनकर ही खौफ से जम जाए। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट गर्ल के मुताबिक इस शहर में एक समय में ऐसे शैतान का साया था जिससे कि लोग उस समय में घर से पैदल निकलने में डरते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या था इस शहर का किस्सा और ठीक उस शैतान से ये शहर कैसे आजाद हुआ, आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों दरअसल ये वाक्या 1980 के समय का है। ऑस्ट्रेलिया का यह शहर केलवा बड़ा ही डेवलप और फेमस भी था, लेकिन 1980 के बाद शायद इस शहर को किसी की नजर लग गई। उन दिनों एक लंबा और सिकुड़ा पतला सा आदमी अक्सर इस शहर के फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग पर बड़ी तेजी से टहलता हुआ दिखता, लेकिन लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब तक कुछ लोगों ने इसका चेहरा नहीं देखा था। कुछ महीनों से लगातार उस शहर से लगभग हर चौराहे पर वो बड़ी ही तेजी से टहलता हुआ दिख जाता। वो अक्सर एक काले रंग के जैकेट और मुंह में मास्क लगाए दिखता, जिससे कि उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख पाता था। एक दिन न जाने कैसे पर वो आदमी इसी तरह बड़ी तेजी से रोड क्रॉस कर रहा था। वो इतनी जल्दबाजी में था कि वो जाकर एक आदमी से टकरा गया, जिससे कि उसका मास्क भी उतर गया और ठीक उसके जैकेट की टोपी भी पीछे गिर गई। वो जिस इंसान से टकराया था उसने उसके चेहरे को पहली बार एकदम नजदीक से देखा था और देखते ही उसके सर से पसीना निकलने लगा। वो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोरों से चिल्लाया कि सब लोग वहां दौड़कर उसके पास आने लगे, लेकिन वो सभी लोग उसके पास पहुंचते कि इससे पहले ही वो काले जैकेट वाला आदमी ठीक उस आदमी को उठाकर वहां से भागने लगा। लेकिन भागते के साथ ही वहां के कुछ लोगों ने उसका चेहरा साफ साफ देख लिया था। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, उसकी एक आंख नहीं थी और जो दूसरी आंख थी उसमें पुतलियां नहीं थी। वो दिखने में बेहद खतरनाक था। ये सब देखकर सारे लोग पीछे हट गए। वो लंबा सिकुड़ा सा आदमी न जाने उस आदमी को उठाकर पता नहीं कहीं गायब हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस में शिकायत करी। शहर की पुलिस भी अब उस काले जैकेट वाले आदमी को ढूंढने में जुट गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो शख्स कई बार सड़कों पर टहलता हुआ दिख जाता। वो इस बार पहले से भी ज्यादा आक्रोश में दिख रहा था। इस बार उसके हाथ में एक चाकू भी दिखता था। कई लोग जब भी उसे देखते तो अपना मुंह फेर लेते थे क्योंकि अक्सर उसकी तरफ एक टक से देखने वालों को वो अपना शिकार बना लेता था। एक तरफ वो पुलिस वालों के हाथों नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ शहर के हर कोने में हर दिन किसी ना किसी का कत्ल हो जाता था। धीरे धीरे इस तरह की घटना आम होने लगी क्योंकि अक्सर हर शहर में कत्ल तो होते ही रहते हैं, तो ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि ये सारा काम सिर्फ उसी आदमी का है या इसमें उनकी पूरी गैंग मिली हुई है। धीरे धीरे ये वाक्या पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगा। अब तो ऐसा हो चला था कि जो शख्स अपने घर में अकेला रहता तो उसका कत्ल होने की संभावना ज्यादा थी।
अब किस्से दिन ब दिन नए रूप लेने लगे थे। हर दिन कुछ लोग दिन दहाड़े सड़कों पर मार दिए जाते। लोगों को घर से निकलने में भी डर लगने लगा था, और जो लोग उसे कई बार देख लेते तो जब तक पुलिस आती वो वहां से गायब हो चुका होता था। पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढने में लगी थी, पर उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रॉय मेढा को अपॉइंट किया गया। रॉय मेढा वैसे तो चीफ सिक्योरिटी एजेंसी में थे, तो उन्हें स्पेशली उस डेविल को पकड़ने का मिशन सौंपा था। दोस्तों एक बार की बात है, रॉय मेढा अपनी टीम के साथ स्ट्रीटलैंड नाम की जगह पर अपने साथियों के साथ एक गुंबद के पीछे छुपकर उस किलर का इंतजार कर रहे थे। दरअसल शहर के सभी लोग उसे किलर समझ रहे थे, लेकिन असल में वो एक डेविल था जो कि परछाई तक को अपने काबू में कर सकता था। पुलिस वाले और वहां के सभी लोग उसे जितना खतरनाक समझ रहे थे, वो तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। सभी वर्दी वाले एक गुंबद के पीछे छुपे रहे कि तभी वो लंबा सिकुड़ा सा आदमी उन्हें आता हुआ दिखाई दिया, जो कि काफी ज्यादा लंबा था और बिल्कुल किसी लकड़ी के डंडे जैसा पतला था। वो नीचे की तरफ सिर झुकाए और एक हाथ में चाकू तो दूसरे में एक लोहे का डंडा ठोकता हुआ बड़ी तेजी से टहल रहा था। पुलिस वालों की नजर जैसे ही उस पर गई तो उन्होंने तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो लगातार उस पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन वो शख्स भी बिना किसी देरी के वहां से बड़ी तेजी से भागने लगा। उसकी भागने की रफ्तार बेहद तेज थी। वो कुछ ही मिनटों में कई मीटर पार कर चुका था। पुलिस वालों ने तुरंत अपनी वैन से उसे पकड़ना चाहा, पर उसके भागने की रफ्तार के आगे वैन भी कम थी। पुलिस की गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही थी कि तभी ड्राइवर ने एक ऑफिसर के कहने पर वैन को साइड में पार्क कर दिया। ऑफिसर का मानना था कि हमें उसका छुपकर पीछा करना होगा, आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए कि ये है कौन। क्या लोगों के मुताबिक सच में ये कोई शैतान है, और अक्सर जब ये नजर नहीं आता तो ये जाता कहां पर है। सारे के सारे ऑफिसर्स उस पर नजर गड़ाए थे। वो पैदल उस शख्स के पीछे पीछे छिपकर उसका पता लगाने लगे। उसका पीछा करते करते वो एक टनल के अंदर जा पहुंचे। टनल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो लंबा सा शख्स न जाने अचानक कहीं गायब हो गया। सभी पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वो इससे पहले कि बाहर निकलते उन्हें एक करकराहने की आवाज आई। उन ऑफिसर्स में से एक थोड़ा पीछे हटा, उसे एक छेद जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। उसने बाकी ऑफिसर्स को अपनी तरफ बुलाया और उस छेद में देखने को कहा। तब जाकर उन्होंने देखा कि वही जैकेट वाला शख्स एक दानव था। वो बड़ी ही बेरहमी से मांस को काट रहा था और पीछे की तरफ फेंक रहा था। उस कमरे में कई सारे मृत पशु और इंसान थे जो शायद उसी पिशाच के शिकार थे। वो शैतान बड़ी ही अजीब तरह से गुर्रा रहा था और ठीक उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने जैसे निशान थे। लेकिन दूसरी तरफ उन ऑफिसर्स को शायद ये पता नहीं था कि जिस छेद में से वो दानव का असली रूप देख रहे हैं वो छेद नहीं बल्कि उसी कमरे का दरवाजा है। लेकिन सबकी नजरें उसी छेद में गड़ी हुई थी। एक एक करके सब उसे देखे जा रहे थे। कुछ समय बाद वही पिशाच बड़ी बेरहमी से लाशों के टुकड़े करने के बाद उसी दरवाजे की तरफ आने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी ऑफिसर्स के चेहरे पर पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अगर इस समय वो पिशाच के हाथों लग जाते तो उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। ऑफिसर्स ने उस टनल से धीरे धीरे भागना शुरू किया, पर इतने सारे कदमों की आवाज से शायद उस शैतान को ऑफिसर्स की मौजूदगी का एहसास हो गया था। सारे लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर गाड़ी में नहीं बैठा बल्कि वो वही एक बड़े से दरवाजे के पीछे छुपा रहा। उस शैतान ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई अपने असली रूप में, जो कि बहुत ही भयावह थी। भागते भागते वो काफी दूर निकल चुका था, लेकिन जो ऑफिसर वहां छुपा था सिर्फ वही जिंदा बच पाया। उसने आकर ये बात प्रेस और पब्लिक को बताई, जिसके जरिए लोगों में बहुत ज्यादा खौफ था। अब तो शहर के लोग अकेले टहलने में भी खौफ खाते थे, क्योंकि शहर में एक तरफ क्राइम तो चल ही रहा था, ऊपर से इस दानव का आतंक भी अलग से सता रहा था। दूसरी तरफ पुलिस और रेस्क्यू टीम पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। शहर के कुछ लोगों का मानना था कि इस राक्षस को सिर्फ गॉड शेयर्स ही काबू में कर सकते हैं। गॉड शेयर्स का मतलब होता है जो कि 2400 घंटे श्रद्धा में होते हैं। वो कई प्रकार के दानवों के इतिहास को समझते हैं और काबू में करना जानते हैं।
उनका कहना था कि ये एक पिशाच है जो कि झील के निकट के जंगलों से आया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान या पशु को अपना शिकार बनाना है जिसकी पुतलियां काली हैं। और तो और ऐसा शख्स जब भी किसी से टकराता है तो उसे ये दानव अपनी गुफा में ले जाकर मार देता है। इसे हराना बेहद मुश्किल होता है। इसको पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसको ठीक रात में चांद की रोशनी में ही काबू करने के बाद शहर में जो आखिरी झील है उसी झील की नहर में इसे एक ताबूत में बंद करके रखा जाए, तब जाकर ही शहर को इस शैतान से आज़ादी मिलेगी। दोस्तों बस फिर क्या था, उस डेविल को पकड़ने की साजिश की गई और बड़ा सा मांस का टुकड़ा एक गाड़ी से लपेट कर उस झील की तरफ ले जाया गया। उनकी ये तरकीब काम आई। उस मांस के टुकड़े को सूंघता और उसका पीछा करते करते वो ठीक उसी झील तक आ पहुंचा। वहां पर कुछ प्रेस्ट का ग्रुप था, उन्होंने कुछ श्लोक और पोजेस फॉर्म किए जिससे कि वो पिशाच कुछ समय के लिए काबू में आ गया। दूसरी तरफ कुछ मजबूत दिल वाले इंसानों ने उसे जंजीर से बांधकर ठीक उसी ताबूत में बंद कर दिया और ठीक वही नहर के पानी के भीतर एक सीकड़ में बांध दिया। बस यही उस पिशाच की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी के किस्से हर जगह मशहूर हो गए। और तो और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई प्रेत आतंक मामले सामने आए जिसमें से ये मामला काफी खतरनाक था। उस साल 1981 के बाद से आज तक कभी इस शहर में वापस उस डेविल की मौजूदगी महसूस नहीं की गई। पर भगवान ना करे कि वो ताबूत खुल जाए, वरना कहीं फिर से वहां के लोग बेमौत मारे जाएंगे। दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया के वैम्पायर, दानव, पिशाच, जो आप कहना चाहें उसकी कहानी। लेकिन मैं आपको अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कुछ अलग है। वो कहानी है मरीज जिन की, जिसे शहंशाह जिन भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। आइए सुनते हैं। दोस्तों मरीज जिन एक तरह के जिन्नों की एक प्रजाति होती है जो समाज में बुरे कार्य करने वाले और दूसरों के कार्य में बाधा डालने वाले बुरे लोगों को सजा देने का काम करते हैं। कुछ इस्लाम ग्रंथों के मुताबिक ये किसी को सजा देने से पहले उसकी एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में सफल होना या ना होना पूरी तरह से उस व्यक्ति की अच्छाई पर निर्भर होता है। दोस्तों ये कहानी अहमद नाम के एक आदमी की है। अहमद पेशे से एक दलाल का काम करता था। वो लोगों के बीच जमीन की लेन देन करवाता था और यही कारण था कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। बस कंजूस होना उसकी सबसे बड़ी विशेषता नहीं थी, बल्कि वो बहुत बुरा आदमी भी था। वो लोगों को पैसों में कैसे ठगा जाए बस इसके बारे में ही हमेशा सोचता रहता था। उसने समय आने पर कई लोगों का अच्छी तरह से फायदा भी उठाया था। उसके हाव भाव और चाल चलन से ये साफ पता चलता था कि वो बेहद ही लालची इंसान था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके साथ जो होने वाला था इसके बाद शायद उसका लालच कभी बचे ही ना। एक दिन की बात है, अहमद ऐसे ही किसी जमीन की मोल भाव करके आ रहा था। जमीन खरीदने वाले को उसने 2 गुना दाम पर जमीन बताई और ठीक जो जमीन बेच रहा था उसने उस जमीन का कम दाम लगाया था, लेकिन अहमद को 2 गुना मुनाफा होता। ये सारी बात उसने फाइनल कर ली थी और ठीक पैसे लेने के लिए अब वो उस आदमी के घर जा रहा था। रास्ते पर जाते वक्त उसे एक 10 रुपए का नोट मिला। उसने उस व्यक्ति की जेब से नोट को गिरते हुए देखा था, पर फिर भी उसने ये बात उस व्यक्ति को बतानी जरूरी नहीं समझी और सीधा नोट को उठाकर चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लिया। जिस आदमी के पॉकेट से वो नोट गिरा था अहमद ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उल्टा उसने उस नोट को इस प्रकार अपने पॉकेट में रखा जैसे कि वो उसके हाथों से ही गिरा हो। उसको ये करते देख कुछ लोगों ने देखा भी और शायद अहमद को पता भी चला था कि कुछ लोगों ने उसे देखा है, लेकिन फिर भी वो उस नोट को उस आदमी को देना नहीं चाहता था। वो चुपचाप उस नोट को लेकर आगे चल पड़ा। अहमद ने अपने पॉकेट में एक पेन भी रखा था। किसी कारणवश वो पेन खराब हो गया और पेन की स्याही उसके पॉकेट में फैल गई। अहमद ने वही 10 का नोट उसी पॉकेट में रखा था, इसीलिए नोट पर भी उस स्याही के कुछ बूंद लग गई। खैर चलते चलते उसने एक बीड़ी के दुकान के बाजू से गुजरते वक्त उस 10 रुपए की बीड़ी खरीद ली। अहमद अंदर से बेहद खुश था क्योंकि इस बार की जमीन की डील में उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था।
और बिना काम के पैसे लेना तो उसके लिए मानो एक शौक बन गया था। अहमद ने इस बार काफी बड़ा हाथ मारा था, क्योंकि उसने दोनों तरफ से ही जरूरत से ज्यादा झूठ बोला था। अहमद बस इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते जमीन वाले के घर पर पहुंचा। वो घर पहुंचते ही उससे पैसे मांगने लगा, पर उस व्यक्ति का तो मन आज अहमद के लिए अनुकूल नहीं था। अहमद को इधर से वो व्यक्ति गुस्से से देख रहा था। उसने उठते ही उसको एक चाटा लगाया। अहमद इसका कारण नहीं समझा। अहमद ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे चाटा क्यों मारा? उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुमने 10 लाख की जमीन के लिए मुझसे 20 लाख कैसे मांगे और 2 लाख का फॉल्स पेपर बनाकर उनमें दस्तखत कैसे ले लिए? उस आदमी ने पहले भी अहमद से काफी जमीन ले ली थी, इसीलिए उसे ऐसा भी लग रहा था कि पहले की जमीनों में भी उसने काफी पैसों की हेर फेर की होगी, लेकिन फिलहाल उसको कम से कम 10 लाख का तो चूना लग ही चुका है। लेकिन अहमद की पोल उस व्यक्ति के सामने खुल गई थी। उस व्यक्ति ने धमकाते हुए कहा, जल्द से जल्द मेरे पैसे आज शाम तक मुझे लौटा दो, वरना तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अहमद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस व्यक्ति को इस बारे में कैसे पता चल गया। अहमद ये सोचते हुए अपने घर पर ही पहुंचा था कि उसे अपने घर के बाहर वो जमीन के मालिक दिखाई दिए, जिसकी डील करवाकर वो आ रहा था। वो आदमी अपने साथ 10-15 लोगों को भी लाया था, और देखकर मालूम पड़ता था कि उन्हें भी सारी बातों का ज्ञान हो चुका है। अहमद उन लोगों को देखते ही वहां से दुम दबाकर भाग पड़ा, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया था। वो लोग उसका पीछा करके उसे मारने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते अहमद चौराहे पर पहुंच गया। ये सारी चीजें अहमद के लिए काफी नहीं थी। उसने जिन दूसरे लोगों को ठगा था, वो लोग भी वहीं पर उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि अहमद की सारी बातें पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। सबने देखते ही अहमद पर हमला बोल दिया और उसे बहुत पीटा। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कुछ लाठियां भी टूट गई थी। अहमद की बहुत बुरी हालत हो गई। कोई भी इस वक्त उसका साथ देने आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अहमद ने धोखा दिया होगा। अहमद बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत ही थी। दोस्तों, इन सब बातों के बीच एक बात बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि अहमद ने इन सभी चीजों के दौरान एक आदमी को विशेष रूप से हर जगह खड़ा पाया। उस आदमी के चेहरे के भाव हर जगह बदल रहे थे, जैसे कभी वो उस पर गुस्सा रहता तो कभी वो उसकी तरफ उदास चेहरे से देख रहा था। लेकिन अभी जब अहमद अपने घर पहुंचा तो उसे तब भी रास्ते में वही आदमी उसे देखते हुए मिला। अहमद को लगा कि शायद ये भी उसके कुछ ठगे हुए लोगों में से एक होगा, जो कि उससे पैसे लेने आया होगा। लेकिन अहमद ने उस पर ध्यान ना देने का नाटक किया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ चला। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। उसके घर को किसी ने तोड़ फोड़ दिया था। अंदर से घर के सामान की बहुत बुरी दशा कर दी थी। इस वक्त ये घर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आकर बिगाड़ कर चला गया हो। अहमद को लगा कि उसके घर की यह हालत जमींदार ने की होगी। अहमद ये देखकर बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उसे ये बात तो पता थी कि उसके दुख से इस समस्या का अंत नहीं होने वाला। उसे शाम तक जमीन वाले के पैसे वापस करने थे, जो कि कुछ लगभग 10 लाख थे। अहमद ने कुछ ही समय पहले बड़े ही आनंद से 80 लाख उड़ाए थे, जिसमें उसने कई जमीनें, कई गाड़ियां और बाकी सारी चीजों पर भी लोन ले रखा था। धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में वो इन सबका दाम चुका रहा था। अहमद ने अपनी खरीदी हुई जमीन बेचने का फैसला किया। वो घर के अंदर जमीन के पेपर ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी वो पेपर नहीं मिले। मानो पेपर घर से कहीं गायब हो गए थे। वो इस बात से अंदर तक सहम गया, क्योंकि उसकी लगभग आधी जमीन की कमाई वो जमीन के पेपर उसके पास नहीं थे। वो पागलों की तरह पूरे घर में पेपर ढूंढने लगा, लेकिन उसे पेपर कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, शायद ये उन्हीं लोगों का काम होगा। अहमद पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी ना किसी तरह से उसने ये सारी जमीनें ब्लैक में खरीदी थी। अब अहमद चारों तरफ से फंस गया था। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अहमद को ख्याल आया
कि जो कार उसने लोन पर ली थी उसने लगभग 90% उसका लोन चुका दिया है और अब वो इस कार को बेच देगा और उससे जितना पैसा आएगा तो कुछ समय के लिए वो पैसा अपने किरदारों को देकर बाकी पैसे बाद में देने की विनती करेगा। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और सीधा कार में बैठकर शोरूम के पास जाने लगा, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त कुछ अजीब सी सुगंध आने लगी। वो सुगंध पेट्रोल की थी। वो समझ गया था कि गाड़ी का पाइप फट चुका है और जब ये सुगंध काफी ज्यादा तेज हो गई तो उसने गाड़ी से सीधा छलांग लगा दी। उस वक्त उसका नसीब अच्छा था क्योंकि तभी अचानक से गाड़ी में आग लग गई और पूरी की पूरी गाड़ी अहमद की आंखों के सामने निस्तनाबूत हो गई। अहमद को ऐसा लगने लगा था कि उस पर किसी ने काला जादू किया है, इसीलिए उसके साथ एक के बाद एक अजीब सी चीजें हो रही हैं। यही सोचकर उसने अब दरगाह जाने का सोचा। अहमद ने दरगाह में पहुंचते ही वहां के हिमायू बाबा के पैर पकड़ लिए और अपनी पूरी कहानी यूं ही लेटे लेटे ही सुना दी। इतना सुनने के बाद दूसरी तरफ से बाबा का जवाब आया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इन चीजों से फायदा हुआ तो तुमने बस अपना स्वार्थ देखा। दरगाह तो छोड़ो, तुमने अपने करीबी या किसी गरीब को भी इसका थोड़ा सा भी फायदा नहीं पहुंचाया, पर अब जब तुम्हारा बुरा समय आया है तो तुम इससे भागना चाहते हो। तुमने अपने कर्मों का अच्छा फल तो खा लिया, पर अब समय है कड़वा फल खाने का। यही नियति है, मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। ये सारे कठोर वचन बोलते हुए बाबा वहां से चले गए। अब इस वक्त अहमद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कितना ज्यादा गलत किया दूसरों के साथ। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सबकी बददुआएं उस पर एक साथ असर कर रही थी। अहमद को याद आया कि जब उसके एक करीबी जान पहचान वाले ने उससे पैसे मांगे थे तो उसने कैसे चालाकी से काफी कम दाम पर ही उसकी जमीन ले ली थी और ठीक उसके बदले पैसे देकर उसे भगा भी दिया था। उस वक्त वो व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति में था, उसे पैसों की जरूरत थी, उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था, इसीलिए उसको मजबूरी में आकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अहमद इन सब बातों को सोचकर रोने लगा और चुपचाप दरगाह के बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसको दरवाजे पर वही अजीब सा व्यक्ति जो हर बार उसे दिखाई पड़ता है ठीक वही दिखा। अहमद चुपचाप उसके पास जाकर बोला कि मेरे पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा जितना पैसा है मैं सूद समेत लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ एक साल की मोहलत दे दो। उस व्यक्ति ने सिर्फ उसे इतना ही कहा, एक दिन, और वो अचानक कहीं गायब हो गया। अहमद ये देखकर हैरान रह गया कि अभी क्या हुआ उसके साथ। वो इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचता कि तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। अहमद को लगने लगा कि शायद अब उसका दिमाग चल चुका है। अहमद पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पाया कि उस जमीन का मालिक वहीं पर बैठा हुआ था जिससे उसने दो गुना पैसे लिए थे। उसने अब अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था और तो और 420 के अंतर्गत उसे जेल भिजवाना चाहता था। अहमद वहां पर बेहद गिड़गिड़ाया और थोड़ी और मोहलत मांगने लगा, लेकिन आज उसका नसीब उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। उसे कुछ समय के लिए लॉकअप में रखा गया और लगभग एक हफ्ते बाद ही उसकी कोर्ट में पेशी थी जहां पर सारे सबूत अहमद के खिलाफ ही थे। अहमद ने काफी सारे लोगों को धोखा दिया था, इसीलिए उसका बच पाना अब नामुमकिन ही था। उसके पास अब कोई खास सामान भी नहीं था कि जिसे बेचकर वो उनका पैसा चुका पाता। अब बस उसके पास एक आखिरी घर ही बचा हुआ था जिसे कोर्ट ने नीलाम करने का फैसला किया और इससे जितने पैसों की रिकवरी होती उसे उन लोगों में बांट दिया जाता जिन्हें अहमद ने ठगा था। अहमद ने काफी सारे लोगों को ठगा था, इसीलिए उसके खिलाफ काफी सारे केसेस बन चुके थे। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अहमद को कितने साल की जेल होगी इसका फैसला वो राय विचार से आखिरी तारीख में बताएंगे, लेकिन तब तक अहमद जेल में ही रखा जाएगा। अहमद को जेल में डाल दिया गया। अब मानो अंदर से अहमद पूरी तरह टूट गया था। उसे ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह तक उसके ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी और शाम होने तक वो पूरी तरह से एक भिखारी बन चुका था। अहमद बेसुध बेसहारा इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में नमाज की आवाज सुनाई दी। तब उसको याद आया कि उसने पिछले एक महीने से नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अहमद इतना पैसे के पीछे पड़ चुका था कि
की सुबह शाम उसे बस पैसे कैसे कमाने हैं यही तरकीब सोचती। इन्हीं सब के कारण वो अपनी आस्था से भी बेहद दूर हो गया था। अहमद वही जेल में नमाज पढ़ने लगा और ठीक जैसे ही उसकी नमाज खत्म हुई तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया, लेकिन जो अब उसने सामने देखा वो काफी डरा देने वाला था। जेल के अंदर वही अजीब सा व्यक्ति जो दरगाह से एकदम से गायब हो गया था वो वहीं पर बैठा हुआ था। तब जाकर अहमद को पता चला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, असल में वह व्यक्ति एक मरीद था। मरीद असल में जिन्नात की एक प्रजाति होती है। इन्हें भी जिन्न की सबसे शक्तिशाली प्रजाति में माना जाता है। ये काफी चालाक होते हैं। मरीद ज्यादातर ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे, वो बस लोगों को उनकी असलियत दिखाते हैं और ठीक उनकी की गई गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना सरल लगता है उतना ये होता नहीं। इसके बदले उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ता है और परीक्षा में ना पास होने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अहमद उस व्यक्ति को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। उसने कपकपाते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उस व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना सर दीवार की तरफ घुमा लिया। उस दीवार पर एक मुहावरा लिखा था कि पैसा भले ही इंसान की सबसे खराब खोज हो, पर यही पैसा इंसान की छुपी असलियत भी सामने ले आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दो कहानियाँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करता हूँ। बाकी मैं आपको मिलता रहूँगा कुछ नई कहानियों में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।